नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हाथरस पीड़िता के इंसाफ दिलाने के लिए जहां पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, वहीं रोष प्रदर्शन भी हो रहे हैं। देश भर में ये मामला उग्र होता जा रहा है। आरोपियों को फांसी दो के नारे भी लगातार गूंजे जा रहे हैं। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पल पल जाखल से दीपक कुमार की विशेष रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप व मर्डर कांड के विरोध में वीरवार को जहां दलितों और अन्य जनवादी संगठनों का उबाल जोरों पर था, जन चेतना मंच की अगुवाई में रोषित प्रदर्शनकारियों ने जहां शहर में रोष प्रदर्शन किया तो वहीं कैंडल जला करके मोदी योगी सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पीड़िता को इंसाफ देने की मांग लगातार, आरोपियों को फांसी देने की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने यूपी पुलिस बल पर भी इतने जघन्य कांड में जातीय मानसिकता रखते हुए पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया। कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी संघ एक सदी हुई राजनीति के तहत यूपी सहित समस्त देश में दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में पूरे देश में रोष है, क्योंकि यूपी सरकार के इशारे पर ही यूपी पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिल्ली स्थानांतरित करने व कांड की जांच सीबीआई व रात में पीड़िता का अचानक दाह संस्कार करने वाली पुलिस कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। अब देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। कोशिश करनी चाहिए, फिल्म करने वाला कितना ही ताकतवर क्यों, हमें लड़ना चाहिए। जब तक लड़ने की ताकत है लड़ना चाहिए। अगर लड़ने उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी, उसने आका नारा मारा था, आका नारा जरूर लगाना था। अगर आप लोग तो कम से कम पूरे मुल्क में जहां भी अत्याचार चल रही है, हमारे यहां भी ऐसा ना हो, हमें भी इसलिए बढ़ चढ़ कर संघर्ष में भाग लेना चाहिए। मुझे अभी बताया गया था मेरे साथी ने कि कुछ जाकर मंडी में भी हमारा लड़के लड़कियों के पीछे मोड़ से लेकर फिरते हैं। ऐसे लड़कों पर नकेल कसने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन में जुर्म की शुरुआत होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों से ही होती है। हम